हम लोग आरा में हैं और संगठन को लेकर के, संगठन को कैसे धारदार बनाया जाए, संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए और संगठन को कैसे गांव गांव तक, प्रखंड तक, पंचायत तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर के आज आरा में हम लोग बैठक किए। सारे आरा के हमारे जितने भी जिला के पदाधिकारी हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष राजेश बाबू हैं, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता विश्वकर्मा जी हैं, राजेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, प्रदेश महासचिव है राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी के रजीत पासवान जी हैं, आरती जी हैं महिला सेल के जिला अध्यक्ष हैं हमारे, और सारे हरेराम जी हैं, मतलब सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग। अब हम लोग कार्यक्रम, चूँकि अब चुनाव भी है, ऐसे कार्यक्रम तो लगातार यहाँ होते ही रहा है। पिछले बार भी हम लोग जिला कार्यकर्ता सम्मेलन करके यहाँ से गए हैं और अब चुनाव को मद्देनजर, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है अगले साल, इसके बाद 2025 में विधानसभा चुनाव है और हम लोग की पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो गई है, इसका चुनाव चिन्ह भी हम लोग का बदल गया है, सिलाई मशीन हो गया है। इसको लेकर के और हम लोग गांव गांव तक जा रहे हैं, हम लोग नारा भी दिए हैं कि रालोसपा चली गांव की ओर, गाँवें गाँवें, नगरी दर नगरी, गाँव गाँव, पाँव पाँव के नारा से लेकर के हम लोग गाँव गाँव तक जाने का काम कर रहे हैं। जो भी केंद्र सरकार के द्वारा योजना चलाया जा रहा है उसके बारे में लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, चुनाव में सब लोग की जानकारी नहीं हो पाता है उसको लेकर के। और हम लोग के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारा जी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रदेश राज जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जब तक हम सभी कार्यकर्ता मिलकर और इनके हाथों को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम लोग के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो सपना था कि कैसा देश और कैसा बिहार बनना चाहिए, उनका जो सपना अधूरा रह गया है उसको पूरा करने के लिए हम लोग गाँव के प्रकट कर। अध्यक्ष जी, लोक जनशक्ति पार्टी जो है पशुपति पारस का टीम कैसे मजबूत किया जाएगा उसको लेकर? मजबूती को लेकर के हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पर हम सभी लोग मौजूद हैं, योगेंद्र भाई हैं, श्री राजेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, रंजीत बाबू हैं, सभी लोग स्टेट कमेटी के हैं और किसी न किसी दिन के अध्यक्ष हैं, हमारे जिला महिला सेल के अध्यक्ष हैं, आरती जी यहाँ पर, हरे कृष्णा जी हैं आरा महानगर के अध्यक्ष, और ये सारे कार्यकर्ता हम यहाँ हैं। और यह कार्यक्रम हुआ कि अचानक प्रदेश से सूचना मिली कि संगठन पर विचार करने के लिए प्रदेश को नहीं दिया गया, उसके तहत हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के उस पर बात कर रहे थे और हम लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे मजबूती से और कैसे हम लोग का हाथ मजबूत होगा और हम लोग के साथ साथ कैसे इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत होगा, एनडीए गठबंधन मजबूत होगा, इसके लिए आपने सुना है उपेंद्र भाई ने कहा कि हम लोग डगर डगर पग पग करके गांव में जाएंगे और संगठन मजबूत बनाएंगे, इसके लेकर के आज सारी मंथन हुई और जहाँ भी कोई त्रुटि है हम लोग के संगठन में उस पर लोगों से परामर्श मिला, उसको हम लोग पूरा करने के अग्रसर हैं। और आज बड़ा खुशी का दिन है कि इस देश में किसानों के प्रति एनडीए सरकार ने जो फैसला लिया है, MSP धान उड़द और कई चीज पर बेतहाशा वृद्धि हुआ है, जो आज़ादी से लेकर अब तक कभी भी MSP में इस तरह से बढ़ोतरी नहीं होती, तो इस तरह से प्रोत्साहन दे करके और ये जो किसानों को मजबूत किया जा रहा है, इसके लिए हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और एनडीए गठबंधन को, अपने नेता पशुपति कुमार पारस जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई।